खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुख्यमंत्री मोहन कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लग गई। रानी अवंतीबाई रानी दुर्गावती सम्मान हर साल देगी सरकार, इस पाठ्यक्रम में शामिल होंगी अवंतीबाई रानी दुर्गावती की जीवनी और साथ ही तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपए प्रति बोरा दिया जाएगा। रानी दुर्गावती अन्य प्रोत्साहन योजना लागू करेगी सरकार, 32,000 करोड़ की सिंचाई योजना लाई जाएगी, 4,500 करोड़ की सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्वालियर मेले में ऑटोमोबाइल पर 50% की छूट मिलेगी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार इंदर जुड़ गए हैं। कुमार, महत्वपूर्ण बैठक थी कैबिनेट की, इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। निश्चित तौर पर जैसे मोहन सरकार की पहली कैबिनेट बैठक जबलपुर में हुई और जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे, जैसा बताया जा रहा था, हुआ भी वैसा ही। एक स्तर एक बढ़कर सरकार ने जो है घोषणाएं की है, कहीं ना कहीं सरकार ने बता दिया है कि वो अपने काम को लेकर, अपने एजेंडे को लेकर, विकास के पैमाने को लेकर ब्लूप्रिंट सरकार ने तैयार किया था उस पर सरकार पूरी तरह से तैयार है और उसी पर जो है आज कैबिनेट बैठक में जो है बहुत सारे अहम फैसले पर मुहर लगती हुई दिखी, जिसपे सीएम डॉक्टर मोहन साहब कहा है कि इन कामों को करना होगा। इसके साथ ही एक बार फिर से ये दिखा कि इस बैठक में अब तैयारी जो है वो पूरी तरह से लोकसभा चुनाव की है। यही कारण था कि सरकार आपके द्वार के पैटर्न पे जो कैबिनेट बैठक यहाँ पर की थी, जिसके बाद अलग अलग संभागों में जो बैठक होगी, उसका उद्देश्य साफ था कि मध्यप्रदेश सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुँचाना, जन जन तक पहुँचाना और केंद्र सरकार की योजना को लेकर, जैसे कि अभी बता रहे विकास संकल्प यात्रा जो निकल रही है उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। बैठक का एजेंडा भी जैसे साफ मीडिया में ब्रीफ आकर कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ये सरकार जो है वो खास करके आदिवासी जननायक यानी कि रानी दुर्गावती और अवंतीबाई कि जीवन पाठ्यक्रम को जो है अब न केवल स्कूलों में अभी तक तो होता था, लेकिन इस बार जो है कॉलेज और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में इसको शामिल करना करके सरकार एक मैसेज देना चाहती है कहीं ना कहीं कि आने वाले लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब है, तो वो आदिवासी जो सबसे बड़ा वोटर बैंक है SC ST उनको साधने की कवायद एक नए सिरे से कह सकते हैं। विधानसभा चुनाव में तो प्रधानमंत्री ने यहां तक कह दिया था कि वो वीरांगना रानी दुर्गावती वीरांगना के जीवन संघर्ष पर एक पिक्चर बनाएंगे और 500 करोड़ रुपए की लागत से जबलपुर में यहाँ पर उनका एक भव्य, एक तरह से कह सकते हैं कि स्मारक बनाया जाएगा और अब उसके बाद अब कॉलेज और विश्वविद्यालय में उनके पाठ्यक्रमों को पढ़ाने की बात हो रही है। तो उद्देश्य बिल्कुल साफ था इस बैठक का, मोहन सरकार की इस बैठक का, कि उनके एजेंडे में अभी भी पहली प्राथमिकता आदिवासी SC ST वोट है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में जो है वो सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो सरकार की तमाम एजेंडा बना रही है कि विधानसभा चुनाव के बाद उनका टारगेट सीधा लोकसभा चुनाव है, जैसा कि मुख्यमंत्री ने अपनी सभा में भी कहा कि इस बार जो है उन्होंने खुले मन से कहा कि इस बार हमारा उद्देश्य 400 के पार है, यानी कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों को जीतने का। जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि इस बार हम मध्य प्रदेश की पूरी 29 में तो 29 सीटें जीतेंगे। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने इस कैबिनेट बैठक के पहले सारे विधायकों की मांग जो जो उनके पास पहुंची थी खुले मन से उन्होंने ऐलान किया कि जिन विधायकों की जो भी मांग है उसको मंजूरी मिल जाए। उसके अलावा राकेश सिंह ने ये कह सकते हैं कि इस कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा यदि विजेता तौर पर देखा जाए तो कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह की, तो होना भी ये था क्योंकि जबलपुर में हो रही थी और जबलपुर से विधायक है, यहीं से कैबिनेट मंत्री 1100 करोड़ रुपए जो है उन्होंने एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए जो है वो बताया कि 1100 करोड़ रुपए की वो एलिवेटेड कॉरिडोर यहां पर बनेगा। और IT पार्क के लिए खुद मुख्यमंत्री ने मन से भी ये कहा कि IT तीसरे फेज की जो IT पार्क है उसके ऊपर भी काम होगा और रोजगार उन्मुखी काम होंगे। जितने भी मुख्यमंत्री ने एक चीज और यहाँ पर बैठक में कही कि हम जो भी उद्योग धंधे लगा रहे हैं उसमें ये देखे कि कुछ उद्योग कुछ काम ऐसे है जिसमें आम लोगों को, आम कारीगरों को जो है वो रोजगार मिले, मतलब मशीनरी का इस्तेमाल जहां पर नहीं हो सकता वहां पर ऐसे लोगों को जो रोजगार दिया जाए जिनकी आजीविका चल सके। तो बड़ा एक बिल्कुल मुख्यमंत्री ने बड़े विजनरी अंदाज बारीकी से कसीने से सारी चीजों को देखी और समझी और इस बैठक में की है। अब आने वाले समय में इस सबसे रूपरेखा लगाना और 400 करोड़ से ज्यादा की सौगात इस कैबिनेट बैठक में जबलपुर को मिली है, जिसका आज मुख्यमंत्री ने जबलपुर से भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। अब ठीक है, ये